नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं पवन गैरोला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन पथ पर। सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी समय समय पर सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होती रहें। मित्रों, मैं आज बात करूंगा कि सूर्य भगवान को हम अर्घ्य क्यों देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए और किस पात्र से देना चाहिए, यह सब जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य ग्रह खराब स्थिति में है, खराब सूर्य आपको क्या क्या देता है मैं बता देता हूं। आपके मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, आलस्य को देने वाला चेहरा हमेशा जो है मुरझाया हुआ रहता है, नेत्रों के संबंधित रोग को देता है, हृदय के संबंधित रोगों को देता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को कम करता है, किसी को भी अपने मन की बात बोलने में हिचकिचाहट होती है। सूर्य पिता का कारक भी होता है और हमारी आत्मा का कारक भी सूर्यदेव है। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य खराब है तो आप भी जो है सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। सूर्य का पूजन मैं आपको बताता हूं कैसे आपने अर्घ्य देना है, किस पात्र से आपने सूर्य को अर्घ्य देना है, समस्त जानकारी मैं दूंगा, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला प्रश्न आता है कि सूर्य को जल कब चढ़ाया जाए। अर्घ्य प्रातः काल जल्दी ही दे देना चाहिए, सूर्य उदय के समय तक जो है अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य उदय के 2 घंटे के भीतर भीतर आप जो है अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन जो सूर्योदय का फल है बाद में अर्घ्य देने का फल नहीं। देने को तो आप दिन भर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सुबह का फल होता है, जो सुबह की सूरज को अर्घ्य देने का फल प्राप्त होता है, वह दिन के समय नहीं होता। इसलिए जब भी अर्घ्य दें उसी से ही रखें कि सुबह अर्घ्य दे दिया जाए, भगवान सूर्य का पूजन सुबह ही हो जाए। अब प्रश्न आता है कि सूर्य को अर्घ्य किस पात्र से दें। भगवान सूर्य देव को तांबे का पात्र अत्यंत प्रिय है, तो आप जो है तांबे के पात्र से, तांबे के लोटे से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे से अगर आप जल अर्पण करते हैं तो यह आपकी आयु को बढ़ाने वाला होता है। तांबे के पात्र से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, अन्य पात्र से ना दें। कोशिश यही रखें कि तांबे के पात्र से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकें। अब अर्घ्य कहाँ देना चाहिए, कैसी जगह पर देना चाहिए, गंदगी में अर्घ्य ना दें, जहां पर साफ सुथरा हो, कोई गमला या आप घर के ऊपर छत पर भी अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार अर्घ्य देना चाहिए और किस धातु से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने का भी नियम होता है, अर्घ्य किस प्रकार दें। जब आप लोटे को पकड़ें तो कोशिश यही रखें कि आपका अंगूठा तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली यह होती है पहली उंगली, इससे जो है स्पर्श ना करें। जब भी लोटा पकड़ें तो इस प्रकार लोटे को पकड़ें, मस्तक के ऊपर तक जो है लोटे को ले जाएं और फिर उसके बाद जल को अर्पण करें। आप भगवान सूर्य को जल देते हुए भगवान के नामों का स्मरण कर सकते, 12 नाम हैं। अगर आपको 12 नाम याद नहीं होते तो कोई भी एक नाम आप जो है भगवान सूर्य का अर्घ देते हुए बोल सकते हैं। 12 नाम वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पोखणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इन 12 मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र, कोई भी एक नाम जो है भगवान सूर्य का अर्घ्य देते हुए स्मरण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप गायत्री मंत्र से भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आप ओम घृणी सूर्याय नमः, आप अर्घ्य देने के साथ साथ भगवान के मंत्रों का भी अगर जप करते हैं, जाप करते हैं, तो उससे भी जो है आपके समस्त अरिष्ट दूर होंगे। जिसको नेत्रों की समस्या है, नेत्रों संबंधी समस्या है, जब जल चढ़ाए तो जल की जो धार होती है उससे भगवान सूर्य देव को देखें, उससे क्या होता है कि आपके नेत्रों की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है। धूप आदि दिखाकर भगवान सूर्य का जो है पूजन करें। अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा कर लें। इस प्रकार सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य के संबंधित कोई परेशानी है तो आप जल में लाल चंदन या रोली डालकर भगवान को अर्पण करें, इससे आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। विवाह करने में कोई अड़चने आ रही हो, सुखद वैवाहिक जीवन ना हो, तो उसके लिए आप जल में हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पण करें। अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं,
कहीं इंटरव्यू देने अगर आप जा रहे हैं, कहीं नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, सफलता पाने के लिए, आप जल में लाल गुड़हल डालकर भगवान को अर्घ दें। अगर आपको पितरों के संबंधित कोई बाधा, घर में पितृदोष है, तो आप जल में तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पण करें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आयु आरोग्य की वृद्धि चाहते हैं, तो भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अवश्य दें। सभी को जो है भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, तो जल में जो है नीला रंग डालकर, नीली इंक स्याही जो आती है, नीला रंग डालकर भगवान सूर्य को अर्पण करें। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको सूर्य को अर्घ देने का नियम, अर्घ कैसे दें, किस प्रकार दें, यह सब जानकारी दी। मैं आपसे ही आशा रखता हूं कि आप भी जो है भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल दें, अपने बच्चों से, अपने घर पे सभी सदस्यों से भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, समस्त अरिष्ट हमारे समाप्त हो, तो आप भी भगवान सूर्य को जल अवश्य दें और जल प्रतिदिन दें। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।